क्या है वो हम जो कि बाद में जानेंगे। पहले आपको एक चीज बताता हूँ कि गोडाउन रजिस्टर जो कि है हमारे अकाउंट से हिसाब का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आफ्टर मार्केट आवर्स हम जो कि है गोडाउन रजिस्टर को जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। सो अभी जो कि पहले आपको मैं इसका फॉर्मेट समझाता हूँ, फिर इसको जानते हैं कि गोडाउन रजिस्टर क्या होता है। सो इसके फॉर्मेट में जो कि हम लोग एक्सेल में क्रिएट करते हैं और डेली बेसिस पे इसको क्रिएट करते हैं आफ्टर मार्केट आवर्स, और डेली का जो कि अलग अलग जो कि हम इसका शीट प्रिपेयर करते हैं एक्सेल में ही। सो इसको पहले आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ। सो गोडाउन रजिस्टर जो कि इसके फॉर्मेट में सबसे फर्स्ट जो कि कॉलम है वो है स्क्रिप्ट नेम। स्क्रिप्ट नेम और मतलब जो कि कंपनी, हम जो भी कंपनी का जो कि शेयर्स बाय करते हैं उस कंपनी का नेम जो कि है स्क्रिप्ट नेम में ऐड होता है। और कौन से भी कंपनी के हमने शेयर्स खरीदे तो कौन से प्राइस पे खरीदे वो जो कि प्राइस यहाँ पे ऐड होगा, और क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी हमने बाय की है वो यहाँ पे ये कॉलम में ऐड होगा क्वांटिटी, और बाय या सेल जो भी किया हो वो अपना जो कि बाय या सेल का हम टैग दे देंगे यहाँ पे। सो फॉर्मेट तो यही है। ओके गाइस, सो अभी जो कि है गोडाउन रजिस्टर में जो भी स्क्रिप्ट्स मतलब कंपनी के कंपनी जो भी ऐड होती है गोडाउन रजिस्टर में वो जो कि है हम उसको न्यू बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई भी आज फ्रेश ट्रेड लिया है, कोई भी फ्रेश बाय या सेल किया है, सो उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, सो वो जो कि हमारा फ्रेश ट्रेड है सो वो जाएगा हमारे गोडाउन रजिस्टर में। और आगे के दिनों में ये जब स्क्वायर ऑफ कर देंगे मतलब इसमें से हम एग्जिट ले लेंगे जो भी ट्रेड है उसमें से जब हम ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो उसका जो कि नेट रिजल्ट दो टाइप में हो सकता है, एक तो प्रॉफिट एक तो लॉस। सो जो प्रॉफिट होगा वो जाएगा हमारे सौदा प्रॉफिट में जिसको हम एसपी भी बोलते हैं, और जो लॉस होगा वो जाएगा हमारा वर्चुअल में। सो सौदा प्रॉफिट क्या होता है वो आपको मैं अभी इसी वीडियो में आपको आगे समझाने वाला हूँ। आपको अभी सवाल आया होगा कि गोडाउन रजिस्टर हम लोग क्यों मेंटेन करते हैं। सो गोडाउन रजिस्टर एक ऐसी चीज है जो सारी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है कि हमने क्या क्या होल्डिंग होल्ड कर रखा है, हमारी ओपन पोजिशंस क्या है, उसका जो कि इन्फॉर्मेशन हमें गोडाउन रजिस्टर प्रोवाइड करता है। सो जैसे कि आज हमने फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी के 10 रुपीज पे जो कि 200 क्वांटिटी बाई किए, और एक्स वाई जेड कंपनी के 22 रुपीज पे हमने 500 क्वांटिटी सेल किए। सो ये हमारे फ्रेश बाय और सेल के ट्रेड्स थे। सो इसको जो कि हमको याद करने की जरूरत नहीं है, और ये जो कि आगे चल के हमें गोडाउन रजिस्टर जो कि सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अभी जो कि हमने जैसे कि गोडाउन रजिस्टर देखा, सो अभी देखेंगे हम लोग सौदा प्रॉफिट। सौदा प्रॉफिट क्या है? सौदा प्रॉफिट एक ऐसी चीज है जिसमें जो कि हमें सारे प्रॉफिट की जो भी वर्किंग होती है वो सब के सारे हम रिकॉर्ड जो कि सौदा प्रॉफिट में करते हैं। सो सौदा प्रॉफिट मतलब यहाँ पे कुछ लॉस का रिलेटेड कुछ भी जो कि वर्किंग नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट के रिलेटेड ही सब कुछ होता है, इसलिए हम इसका नाम जो कि सौदा प्रॉफिट है। सौदा मतलब ट्रेड और प्रॉफिट मतलब जो कि हमें प्रॉफिट मिला है। सो इसीलिए जो कि इसमें सिर्फ सौदा प्रॉफिट ही है। सो यहाँ पे जो कि सिर्फ प्रॉफिट के जो कि सारे वर्किंग रिकॉर्ड करते हैं। सो इसमें जो कि दो टाइप्स के जो कि इनपुट ऐड होते हैं, फर्स्ट जो कि है हमारा इंट्राडे और सेकंड जो कि है होल्ड। इंट्राडे मतलब जो भी हमने आज बाय किया और आज ही के आज उसको सेल कर दिया, सो वो जो कि हमारा उसमें जो कि नेट रिजल्ट दो टाइप में हो सकता है, एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव। सो प्रॉफिट हुआ सो जो जाके सौदा प्रॉफिट में जाएगा, और नेगेटिव जैसे लॉस हुआ तो हो जाएगा वर्चुअल में। सो जो भी लॉस का वर्किंग होता है सब कुछ जो भी लॉस में जो का वर्किंग जो भी होगा वो जो कि वर्चुअल में ही होगा, और प्रॉफिट का जो भी होगा सब कुछ वो होगा सौदा प्रॉफिट में। सो प्रॉफिट है मतलब जो भी उसका रिलेटेड जो भी वर्किंग होगा वो सौदा प्रॉफिट में ही होगा। सो जैसे कि इंट्राडे में अगर पॉजिटिव प्रॉफिट हुआ सो वो जाएगा हमारा सौदा प्रॉफिट में। और ओल्ड होल्डिंग, ओल्ड होल्डिंग हमें कहाँ मिलेगा? गोडाउन रजिस्टर में। जैसे कि हमारे पास पहले से कोई गोडाउन रजिस्टर में हमारे पास ऑलरेडी हमें होल्डिंग है और उसको हम स्क्वायर ऑफ करते हैं आज, तो उसका भी जो कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सो प्रॉफिट उसका अगर प्रॉफिट आता है रिजल्ट तो वो जाएगा सौदा प्रॉफिट में। सो इसका जो कि सिंपल सा फॉर्मेट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये भी हम लोग जो कि एक्सेल में क्रिएट करते हैं और जैसे कि अकाउंट से हिसाब करते हैं वैसे ही, और डेली बेसिस पे। सो इसका फॉर्मेट जो कि बहुत सिंपल है। आपको जो कि फॉर एग्जांपल आज हमने जो कि एबीसी जो ट्रेड था हमारा तो वो उसको अगर स्क्वायर ऑफ कर दिए उसका भी रिजल्ट हमें पॉजिटिव आया, और एक्स वाई जेड था उसको भी हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया तो उसका भी पॉजिटिव हमको रिजल्ट मिला है। सो पहले जो कि हम एक एक्सेल शीट में इसको प्रिपेयर करेंगे जिसमें सारे कंपनीज के जो भी हमारे प्रॉफिट हुए तो उसके जो कि नेम आ जाएंगे और उसका कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें जो कि उसके सामने लिख देंगे। तो जैसे कि एबीसी का हमारा जो कि 15,000 प्रॉफिट हुआ था
सो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और एक्स वाई जेड जिसमें हमें 50,000 का जो है प्रॉफिट हुआ है। सो ये 15,000 और 50,000 मिला के हमारा टोटल नीचे जो कि 65,000 प्रॉफिट हुआ। सो ये जो कि बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। सो सौदा प्रॉफिट में जो कि सारे प्रॉफिट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं डेली बेसिस पे। सो सौदा प्रॉफिट का बस इतना ही था। सो आज के वीडियो में हमने जो कि सौदा प्रॉफिट और गोडाउन रजिस्टर ये दो चीजें जो कि हमने देखा है, गोडाउन रजिस्टर एंड सौदा प्रॉफिट। हम लेक्चर थ्री में हम लोग जो कि देखेंगे वर्चुअल एंड हमारे सॉफ्टवेयर का ऑल्ट F6 ये जो कि फंक्शन की है ऑल्ट F6 इसके बारे में हम जो कि आगे के लेक्चर थ्री में हम जानेंगे वर्चुअल और ऑल्ट F6 के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।